हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर चैनल। आज मैं आपको दिखाऊंगी पुरानी शर्ट से हम क्या बना सकते हैं। ये है पुरानी शर्ट जो कि इसकी एक बाजू बंदर ने भी फाड़ दी है। इसका मैं आपको बताती हूँ कि इसका हम क्या यूज़ कर सकते हैं। ये देखो, बंदर ने इसकी बाजू फाड़ दी है। सबसे पहले तो मैं इसका कॉलर अलग कर लूंगी और इसकी बटन वाली जो साइड होती है उसको अंदर फोल्ड करके और इसको मोड़ कर रख लूंगी। मुझे इसकी लंबाई लेनी है 21 इंच। 21 इंच लंबाई लेने के बाद मैंने इसे नीचे से गोल निशान लगा लिया था और गले का लिया है मैंने 2 इंच। ये कंधे वाली साइड जो होती है इसका 3.5 इंच। शोल्डर के लिए लिया है 5.5 इंच और इसको क्रॉस कट लगा के गोलाई में ले लूंगी। और इसका चेस्ट का लिया है 8.5 इंच, कमर 8 इंच। इन निशान को मिला लूंगी और अब इसको कट कर लूंगी। ये देखो, इस तरीके से कट कर लेना है। नीचे से गोलाई में लेना है जिससे कि टॉप की अच्छी शेप आए और बनने के बाद बहुत सुंदर लगता है ये। टॉप का बैक और फ्रंट पार्ट कट गया था और अब काटने की मुझे बाजू बाजू के लिए जो इसकी बाजू है उसी में से मैं बाजू निकाल लूंगी इसकी। बाजू मैंने कट कर ली है, ये देख सकते हो आप। अब जो बाजू से आगे का कपड़ा बचा था उसमें से मुझे निकालनी थी पट्टी जिनकी बनानी थी मुझे फ्रिल बाजू में लगाने के लिए। तो उसके लिए मैं इसके ये कफ जो होते हैं पहले सबसे पहले उन्हें अलग कर लेती हूँ। बाजू में फ्रिल बनाने के लिए मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी काट दी थी। पट्टी लंबाई में छोटी थी तो उसके लिए मुझे जोड़ लगाने पड़े थे, लेकिन चौड़ाई इनकी 2 इंच ली है और इसकी तुरपाई भी कर ली थी आगे से। ये देखो, बाजू की पट्टी तैयार हो गई थी। टॉप की कटिंग भी हो गई थी और बाजू की भी। अब इसके गले की कटिंग करनी बाकी थी। इसके बैक पार्ट की तो हो गई थी, फ्रंट पार्ट में गले की थोड़ी गहराई करके इस तरीके से शर्ट के फ्रंट पार्ट को बीच से फोल्ड करके और गले की कटिंग करनी थी अब। ये देखो, मैंने इसमें मार्क कर लिया था। मार्क से थोड़ी आसानी हो जाती है गले वगैरह की कटिंग करने में। गले की कटिंग अच्छे से हो गई थी और इसमें जो पॉकेट है वो आ रही थी तो मैं इसको हटा लेती हूँ। सबसे पहले शर्ट का जो बैक पार्ट बचा था इसमें से मैं 1.5 इंच चौड़ी पट्टी निकाल लेती हूँ गले के लिए और कुछ उरेंगवा पट्टी भी इसमें से निकालनी है गले पर पाइपिंग लगाने के लिए। बाजू के लिए फ्रिल बनाने के लिए मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली थी और गले के लिए ली थी 1.5 इंच चौड़ी पट्टी। ये देखो, मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी है इस तरीके से काट ली है। अब उरेंज पट्टी जो होती है वो काटनी थी पाइपिंग बनाने के लिए। उरेंज पट्टी भी मैंने काट ली है। शर्ट की कटिंग अच्छे से हो गई है। अब मुझे इसकी जो ये जो उरेंज वाली वाली पट्टी है इसमें जोड़ लगा लेना है। इस तरीके से इसमें जोड़ लगेगा। ये 3 पट्टी काटती थी मैंने और इसमें मैं जोड़ लगा लेती हूँ। उरेंग में पट्टी में जोड़ लगा लिया था। अब ये बाजू वाली जो पट्टी है ये मैंने जोड़ ली थी और इसको मैं तुरपाई कर लेती हूँ एक साइड से। इसकी एक साइड से मैंने तुरपाई कर ली थी और अब मुझे इसमें प्लेट्स डालनी है बाजू के साथ इसे जोड़ के और प्लेट्स डालनी है। उसके लिए मैंने हाफ हाफ में निशान लगा लिया था बाजू में भी और ये प्लेट्स वाली पट्टी जो है उसमें भी। उससे प्लेट्स आसानी से डल जाती हैं।
जोड़ने के बाद इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है, जिससे कि ये उठी उठी ना रहे, इसकी प्लेट से नीचे दब जाए। मैंने एक बाजू में सिलाई लगा दी थी। सीधी तरफ से सिलाई लगाने में प्लेट्स उठती नहीं है और बाजू भी अच्छी लगती है। ये देखो, अब शर्ट में मुझे लगानी है प्लेट्स, इसके गला बनाना है, तो उससे पहले मैं ये जो इसके कंधे होते हैं इन्हें जोड़ लेती हूँ। टॉप के कंधों पे मैंने इस पे सिलाई लगा ली थी। अब बनाना है मुझे गला, तो गला बनाने के लिए मैंने 1.5 इंच चौड़ी जो पट्टी ली थी, वो 3 पट्टी थी, तो उनको मैंने जोड़ लिया है और एक साइड से तुरप लिया है। अब इसमें मैं फ्रंट साइड से, मतलब सीधी साइड से छोटी छोटी फ्रिल बना दूंगी, छोटी छोटी इसमें प्लेट्स डाल देती हूँ। इसको आगे से तुरपाई कर लेनी है, जिससे कि ये बाद में परेशानी ना हो। इसमें मैंने फ्रिल लगा ली है। अब मुझे इसमें लगानी है उरेंगवा पट्टी। ये उरेंगवा पट्टी मैंने काट ली थी और उसमें जोड़ लगा लिए थे। ये मैंने सीधी तरफ से लगाकर और अंदर की तरफ मोड़ दी है। इसमें मैंने अंदर छोटी दो प्लेट्स डाल दी थी, बैक पार्ट में भी और फ्रंट पार्ट में भी, जिससे कि टॉप की फिटिंग और अच्छी आए। और उसके बाद मुझे लगा देनी है इसमें बाजू। बाजू लगा दी है मैंने। यहाँ पर मैंने ऊपर बाजू में छोटी सी फ्रिल आ गई थी, जिससे कि और अच्छी लग रही थी। ये देख सकते हो आप, छोटी छोटी सी नीचे से लगाई थी, तो जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था वो मैंने बिल्कुल बीच में इसके ले दिया था। अब मुझे इसकी लगानी है साइड वाली सिलाई। साइड वाली सिलाई लगाने के बाद इसको नीचे से तुरपाई कर लेती हूँ। ये देख सकते हो, साइड वाली सिलाई लगने के बाद कितना अच्छा अच्छा टॉप बन गया है ये, और नीचे से भी मैंने इसकी सिलाई लगा दी है। बाजू भी कितनी सुंदर लग रही है इसकी, और गला भी कितना अच्छा बन गया था। पाइपिंग भी बहुत अच्छी लग रही थी इस पर लगकर। एक सुंदर सा टॉप बन गया है ये ओल्ड शर्ट से। आप भी इस तरीके से ओल्ड शर्ट का यूज कर सकती हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करके बताना कि आपको हमारा आइडिया कैसा लगा। मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग के साथ। टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।